दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि कोविड एक बहुत ही बड़ी महामारी है, कोरोना वायरस। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया था कि जितने भी 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं सभी को वैक्सीन लगाई जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, पहले यहाँ पर 45 साल से उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी। तो आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे आप इसके लिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि आप भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सको। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हम सफर टैग। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डायरेक्टली अपने फोन की स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर आना है और आपको सबसे पहले यहां पर ब्राउजर को ओपन करना है, जैसे कि गूगल क्रोम। और जैसे आप यहां पर ओपन करेंगे, आपको यहां पर वेबसाइट सर्च करनी है, cowin.gov.in। यहां पर देख सकते हैं आप, ये वेबसाइट है और इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है एज 18 प्लस रजिस्ट्रेशन ओपन। तो यहां पर 18 साल से ज्यादा के जितने भी लोग हैं एज के, उनका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। कुछ यहां पर और भी डिटेल्स मिल जाती हैं आपको, जैसे टोटल वैक्सीनेशन डोज कितने लगाए जा चुके हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको यहां पर दिख जाएंगी। तो यहां पर दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहां पर देखिएगा व्हाट इज कोविन। इसके नीचे आपको यहां पर दो चीजें दे रखी है। पहला है रजिस्टर साइन इफ योर सेल्फ, यानी कि दोस्तों आप यहां पर साइन इन कर सकते हैं और इसी वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि रजिस्टर विद आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, तो आप आरोग्य सेतु से भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर पहला वाला जो ऑप्शन है रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ, तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं, अब दोस्तों यहां पर आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिएगा, आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहां पर टाइप करना है और इसके अलावा आप आरोग्य सेतु और उमंग एप्लीकेशन से भी यहां पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपके पास एक जो है ओटीपी आएगा। तो जैसे देखिएगा, आपके नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो आपको यहां पर सबसे पहले उस ओटीपी को फिलअप करना है। चलिए, हमने यहां पर फिलअप कर लिया है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब जैसे हम नीचे वेरीफाइड एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिएगा आपके सामने दोस्तों एक नया पेज खुलकर आएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने दो फैमिली मेंबर के ऑलरेडी वैक्सीन लगवा चुका हूं मैं, तो इसलिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मेरे यहां पर दो मेंबर के नाम हैं। अगर आपके यहां पर नाम नहीं है, आप पहली बार कर रहे हैं, तो आपको नीचे यहां पर दिखेगा सिंपल एड मेंबर। तो दोस्तों आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अगर आपका नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपको सिंपल एड मेंबर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आप यहां पर जो है फोटो आईडी प्रूफ में क्या देना चाहोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाओ हॉस्पिटल में, तो आपको यहां पर वही आईडी प्रूफ लेके जाना है जो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, हम यहां पर फोटो आईडी प्रूफ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, यहां पर आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पेंशन पासबुक का यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहां पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहां पर अपना आधार नंबर टाइप करना है। उसके नीचे आपको यहां पर अपना नाम टाइप करना है जो आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। आप मेल हैं फीमेल हैं, आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सेलेक्ट करना है कि आपका जन्म, आपका बर्थ कौन से ईयर में हुआ था। जैसे मेरा 1995 में हुआ था, मैंने यहां पर जो है कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड करते दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा नाम ऐड हो चुका है और हमें एक SMS भी आ चुका है, डियर नवीन सिंह कलोड़ा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर कोविड वैक्सीन। आपको यहां पर रेफरेंस आईडी नंबर भी मिल जाएगा और आपको यहां पर हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, जिसमें आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा नाम जैसे आ चुका है। अब दोस्तों आपको यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, यानी कि आपको किस दिन में आपको हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने जाना है, आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है। तो उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है शेड्यूल, तो आपको शेड्यूल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद देखिएगा नीचे आपके सामने शेड्यूल नाउ दिख रहा होगा ऑप्शंस, तो आपको शेड्यूल
शेड्यूल नाउ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। अब दोस्तों आप जो है अपने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड नंबर का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर अपना स्टेट और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर आप यहाँ पर पिन कोड नंबर डालेंगे तो आप यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर से इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप सर्च करेंगे या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अभी नो वैक्सीनेशन सेंटर इज अवेलेबल फॉर बुकिंग, तो यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि दोस्तों ऊपर देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट फॉर एज 18 to 44, यानी कि 18 से 44 साल के जितने भी लोग हैं अभी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। देखिएगा यहाँ पर नीचे लाइन में लिखा हुआ है, इफ स्लॉट नॉट करंटली अवेलेबल इट विल बी ओपन सून, प्लीज चेक अगेन इन सम टाइम, वी आर रेडी फॉर इनकन्वीनियंस। तो यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ टाइम के बाद, यानी कि 1 मई 2021 के बाद आपको ट्राई करना है, आपको यहाँ पर बुकिंग के लिए स्लॉट मिल जाएगा और आप उस डेट में आप सेलेक्ट करेंगे, उस टाइमिंग में आपको हॉस्पिटल में जाना है और आप आसानी से उसी टाइमिंग में अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपना वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।